नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद नाइक चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम आपको बना के दिखाऊंगा ब्रोकोली का सब्जी। ये बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी भी है। और देखिए ब्रोकोली को अब इधर हम ऐसे काट लिया हूँ, आप ऐसे ही काट लीजिए ब्रोकोली को। अब इसको हम दिखाऊंगा एक सूखा मसाला बना के। ये आप कोई भी सब्जी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए इधर हम 6 सूखा ड्राई चिली और 1 टेबलस्पून जीरा लिया हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छा सा भून लेंगे। जैसे ये कड़क हो जाए अब इसको मिक्सी को जार में इसको पीस लेंगे। ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये बिलीव कीजिए, कोई भी सब्जी में डालेंगे ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया हूँ। इसमें ब्रोकोली को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, क्योंकि ब्रोकोली को थोड़ा टॉस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके लिए हम देखिए ब्रोकोली को थोड़ा ऑयल में स्लो फायर में इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे थोड़ा ब्रोकोली हाफ पक जाए। ये देखिए ब्रोकोली मेरा इधर हाफ पक चुका है। अब आपका इसका मसाला जो है बना के आपको दिखाऊँगा। मसाला बनाने के लिए इधर हम 2 चम्मच ऑयल लिया हूँ। इसको थोड़ा अच्छा से गरम कर लेंगे। जैसे ऑयल गरम हो जाए अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे, उसमें 2 ग्रीन चिली को भी ऐसे काट के डाल देंगे। आप चाहे तो इसको चॉप भी डाल सकते हैं, प्याज को काट के छोटा छोटा। इधर हम लंबा काट लिया हूँ। अब इसको गोल्डन फ्राई तक इसको ऐसे फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए मेरा प्याज इधर गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर आप डाल देंगे तो हल्दी का जो रॉ स्मेल होता वो ख़त्म हो जाएगा, आपका करी भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इधर हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी थोड़ा अच्छा से इधर फ्राई कर लूँगा। जैसे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो जाए अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी थोड़ा ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे तो मसाला जो है आपका बहुत बढ़िया तरीक़ा से मिक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कुछ देर तक इसको ऐसे फ्राई करेंगे, जैसे मसाला थोड़ा अच्छा से पक जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करूँगा। इधर हम 1 टमाटर को बहुत बारीक से चॉप कर लिया हूँ। टमाटर को डाल कर अब इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी साथ में डाल देंगे। सॉल्ट साथ में डाल देंगे तो आपका टमाटर जो है बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कुछ देर तक ऐसे भूनते रहें। अब देखिए टमाटर मेरा बहुत अच्छा से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। दोनों मसाला को साथ में डालकर इसको बहुत अच्छा से मिक्स करना है, जैसे मसाला बहुत बढ़िया तरीक़ा से मिक्स हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा पानी भी हम इधर ऐड करूँगा। अब मसाला को बहुत अच्छा तरीक़ा से भून लेंगे 1 मिनट तक। अब जैसे मसाला बहुत अच्छा तरीक़ा से पक जाए, अब देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छा तरीक़ा से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करूँगा 1 टेबलस्पून दही। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते, नहीं भी कर सकते। दही थोड़ा ऐड करेंगे तो थोड़ा मसाला का जो टेस्ट है और भी थोड़ा अच्छा बनेगा और थोड़ा टेस्ट और थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसलिए हम 1 टेबलस्पून दही भी इसमें ऐड कर दिया हूँ। अब मसाला को 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छा तरीक़ा से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर दूँगा ब्रोकोली को। ब्रोकोली बहुत हेल्दी होता है, अब इसको सलाद में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब इसका सब्जी बना के भी खा सकते हैं। अब ब्रोकोली को डालकर अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी भी इसमें हम ऐड कर दूंगा, जैसे ब्रोकोली थोड़ा अच्छा से पक जाए। पानी डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक ढक्कन लगा देंगे, जैसे ब्रोकोली थोड़ा अच्छा से पक जाए। अब देखिए मेरा 1 मिनट इधर हो चुका है। अब देखिए ब्रोकोली बहुत ही अच्छा बना हुआ ब्रोकोली का सब्ज़ी। अब एक इसमें एक मसाला डालेंगे,
जो आपका करी का टेस्ट पूरा 100% चेंज कर देगा। जो पिसा हुआ चिली है और जो जीरा पाउडर है, अब इसको ऊपर से डाल देंगे। मसाला ब्रोकोली आप ज़रूर घर में ट्राई करें। मसाला ब्रोकोली का रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे नया नया रेसिपी के लिए।